हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्लेड एक्सवाई जी में। गाइज, आपने कागज़ का प्लेन तो ज़रूर से उड़ाया होगा, जो पेपर प्लेन होता है जो कि हम सब लोग बनाते हैं बचपन में। तो आज हम वैसा ही एक और प्लेन बनाने वाले हैं, लेकिन एक बड़े साइज में, और यूज़ करेंगे इस थर्मोकोल शीट का, और देखेंगे उसको उड़ा करके भी किस तरीके का प्लेन बनता है, किस तरीके से उड़ता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लेड एक्सवाई जी की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो गाइज, ये रहेगा हमारे प्लेन का बेस, जो कि आप देख सकते हैं पीछे से कुछ ऐसा है और आगे से जो है एकदम पैनी नोज है, और ये जो है फाइटर जेट की तरह है। तो गाइज, ये बनेगा इसका बेस और ये लगेगा इसके ऊपर, और इसकी जो लंबाई है वो एग्जैक्टली इसके बराबर ही मैंने काटी है। तो कुछ इस तरीके से इसको इसके ऊपर चिपका देते हैं, और अब जो है आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरीके एरोप्लेन जो है वो दिखने वाली है। तो इसको चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे इस ग्लू का, जो कि है फेविकोल टाइप का एक ग्लू है, पेपर चिपकाने काम आता है। तो गाइस, इसके ऊपर वाले हिस्से को हमने इसके ऊपर चिपका दिया है, और अब आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो एक एरोप्लेन की तरह लगने लगी है। लेकिन अभी इसको सूखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर टेप लगा रहा हूँ, जिससे कि ये जो है ज़्यादा हिले नहीं। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर जो है कुछ सपोर्ट भी लगाएंगे, ताकि उड़ते टाइम जो है ये कुछ इस तरीके से हट ना जाए या फिर इससे उखड़ ना जाए। तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ब्लेड एक्सवाई जी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चल।